हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में घूस का काला कारोबार फैलाया गया। ईडी ने कल पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से लंबी पूछताछ की और पूछताछ में कई संपत्तियों की लोकेशन का भी पता चला है। बेलघरिया सोसाइटी में पहले के दो फ्लैट के अलावा दो और फ्लैट का पता चला है और ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें सील कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें, हम मनोज्ञा और ओपी तिवारी से बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी को सुबह 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ईएसआई अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अर्पिता गाड़ी से उतरते ही बेहोश हो गई। मीडिया के भारी जमावड़े के बीच सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी थे, मगर इसके बीच सुरक्षाकर्मी अर्पिता को लेकर अस्पताल गई और इसके बाद अर्पिता रोती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अर्पिता को ईएसआई अस्पताल लाया गया था मेडिकल जांच के लिए। और अर्पिता मुखर्जी के साथ आज कैश कांड के किंग पार्थ चैटर्जी को भी मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया, जहां अर्पिता बेहोश हो गई और उन्हें महिला सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर अस्पताल के भीतर तक पहुंचाया, तो वहीं पार्थ चैटर्जी भी व्हीलचेयर पर नजर आए। तो ये दोनों तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मेडिकल चेकअप के लिए पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लाया गया अस्पताल में। आप देखें किस तरीके से बेहोश हो गई अर्पिता मुखर्जी, तो वहीं पार्थ चैटर्जी भी व्हीलचेयर पर बैठकर आए। दोनों ही अब बीमारी की बात कर रहे हैं, दोनों ही ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। अर्पिता मुखर्जी तो बेहोश हो गई, वहीं पार्थ चैटर्जी ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।